जनता का आईना में आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। आज हम बात करेंगे राफेल विमानों की खरीद घोटाले के बारे में। मीडिया पार्ट न्यूज पोर्टल जिसने अपनी छानबीन में पाया है कि राफेल विमान सौदे में भ्रष्टाचार हुआ है और करीब 9 करोड़ रुपए सुशील गुप्ता नामक व्यक्ति को दिए गए। उसके अलावा उसने बहुत सारी फर्जी कंपनियां बनाई जिन कंपनियों के नाम पर दलाली का पैसा ट्रांसफर किया गया है। ये मामला शुरू से ही इसमें भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे और बहुत सारे सवाल इस पूरे मामले में आए हैं। जैसे कि पहले ये सौदा 126 विमान खरीदने का था, बाद में इसे सिर्फ 36 विमानों तक ला दिया। ये विमान क्यों कम किए गए? दूसरा जो सवाल उठता है कि पहले एक विमान 670 करोड़ रुपए में खरीदा जाना था, बाद में उसी विमान को 1660 करोड़ रुपए में खरीदे गए। उसके बाद और एक सवाल उठता है, पहले ये विमान भारत की इंडियन एरोनॉटिक्स जो हवाई जहाज बनाने वाली कंपनी है वो करने वाली थी और फ्रांस सिर्फ अपनी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने वाली थी, लेकिन अचानक इस सौदे में बदल कर पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट, विमान बनाने का भी कॉन्ट्रैक्ट राफेल नामक फ्रांसीसी कंपनी को दी गई। तो क्या इंडियन और एरोनॉटिक की जो क्षमता थी विमान बनाने की, उसको नकारा करके एक विदेशी कंपनी को ये कॉन्ट्रैक्ट क्यों दिया गया? उसके बाद सवाल उठता है कि कितने विमान खरीदने चाहिए, किस तरह के विमान खरीदने चाहिए, कितने पैसे में खरीदने चाहिए, ये सारे निर्णय और सारा काम करने का काम रक्षा मंत्रालय का होता है। लेकिन रक्षा मंत्रालय जब एक तरफ बात कर रहा था, उसी वक्त प्रधानमंत्री कार्यालय भी अलग से फ्रांस सरकार से बात कर रहा था और इस खरीदी में हस्तक्षेप कर रहा था। तो रक्षा सचिव ने अपने नोटिंग में ये साफ तौर पे लिखा है, इस तरह से इस खरीद के बीच में प्रधानमंत्री ऑफिस का आना और दखल अंदाजी करना, ये पूरे कॉन्ट्रैक्ट में भारत के जो इंटरेस्ट हैं उसको नुकसान पहुंचा रहा है। या तो प्रधानमंत्री कार्यालय खुद ये डील करे या फिर रक्षा मंत्रालय को अपना काम करने दे। फिर एक महत्वपूर्ण सवाल ये भी उठता है कि पहले जो कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा था उसमें एंटी करप्शन क्लॉज था, लेकिन बाद में जब कॉन्ट्रैक्ट किया गया तो उसमें से एंटी करप्शन क्लॉज हटा दिया गया। इसका यानी ये मतलब होता है कि अगर इस पूरे विमान खरीदी घोटाले में कोई भी भ्रष्टाचार पाया जाए तो भारत उसके खिलाफ, फ्रांसीसी कंपनी के खिलाफ एक्शन ले सकता था, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट से ये क्लॉज ही हटा दिया। तो आखिर भारत सरकार को ये क्यों जरूरत पड़ा कि एंटी करप्शन क्लॉज हटाने की? फिर ये भी महत्वपूर्ण है कि इसमें ऑफसेट पार्टनर के लिए रिलायंस कंपनी को लिया गया। रिलायंस अनिल अंबानी की कंपनी, उसे विमान बनाने का या विमान के क्षेत्र का कोई भी अनुभव नहीं है, लेकिन उसे ऑफसेट पार्टनर बनाया गया। और फ्रांस के राष्ट्रपति ने तो यहाँ तक कह दिया, रिलायंस को पार्टनर बनाना हमारी मजबूरी है क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए हमें उसे पार्टनर बनाना ही पड़ेगा। तो आखिर एक प्राइवेट कंपनी को जिसका रक्षा विमान बनाने में कोई अनुभव नहीं है, ऐसी कंपनी को आखिर पार्टनर क्यों बनाया गया? इंडियन एरोनॉटिक को बनाया जा सकता था, या फिर सरकार खुद ऑफसेट कॉन्ट्रैक्ट सरकारी कंपनी को दी जा सकती थी, लेकिन ऐसा न करते हुए जानबूझकर रिलायंस को उसका फ़ायदा पहुंचाया गया। फिर ये सवाल उठता है कि सरकार कह रही थी कि अब ये स्टेट टू स्टेट, सरकार और दो सरकारों के बीच में, यानी भारत और फ्रांस, ये दो सरकारों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और इसमें कोई बिचौलिया नहीं है। तो अगर कोई बिचौलिया नहीं है और सरकार से आपस में डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट किया गया, तो फिर सुशील गुप्ता को ये घूस के पैसे क्यों दिए गए? जब उनसे सवाल किया गया कि ये घूस के पैसे क्यों दिए गए, तो राफेल कंपनी उसका बराबर से जवाब नहीं दे पाई। और ये भ्रष्टाचार अगर हुआ है, दो देशों के बीच में ये समझौता हुआ, तब ये सवाल उठता है कि फिर दलाली क्यों दी गई और दलाली का क्लॉज क्यों हटाया गया और फिर रिलायंस को क्यों कॉन्ट्रैक्ट दिया गया?
ये सारे सवाल उठते हैं जिसका जवाब सरकार को देना चाहिए। और एक सवाल आता है कि सुशील मोदी जिसको इसमें दलाली दी गई, उसके पास बहुत सारे रक्षा मंत्रालय के गोपनीय डॉक्यूमेंट मिले और उसने ये सारे गोपनीय डॉक्यूमेंट राफेल से शेयर किए, तो हमारे गोपनीय डॉक्यूमेंट को सुशील गुप्ता के पास कहां से आए? हमारे रक्षा मंत्रालय के गोपनीय डॉक्यूमेंट सुशील गुप्ता ने राफेल कंपनी से शेयर किए। सवाल उठता है कि ये गोपनीय डॉक्यूमेंट रक्षा मंत्रालय के गोपनीय कागज पत्र सुशील गुप्ता के पास कहां से आए और उसका फायदा राफेल ने उठाया और जो बातचीत हो रही थी उस बातचीत पर उसका प्रभाव पड़ा और सुशील गुप्ता को इसके एवज में दलाली मिली। तो ये पूरा मामला जो है, पूरा चेन एक बनती है, तो इस पर जांच होगी या नहीं होगी? और यही सुशील विमान खरीदी में दलाली करने के लिए जेल जा चुका है, अगस्ता हेलीकॉप्टर केस में वो जेल जा चुका है। तो ऐसे व्यक्ति को, ऐसा व्यक्ति जब इसमें भी दलाली लेता है और ये बात भारत सरकार को मालूम होती है, तो भारत सरकार इस मामले में जांच कराने की बजाय वो ये क्यों कह रही है कि कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ और कोई जांच नहीं होनी चाहिए? वो जो भी आरोप लग रहे हैं उसका बचाव क्यों कर रही है? वो जांच क्यों नहीं कर रही है? इससे भी भारत सरकार की मंशा पर संदेह होने लगता है। प्रशांत भूषण, यशवंत सिन्हा और एन राम, इन्होंने ये मामला उठाकर सुप्रीम कोर्ट तक गए थे और सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने कोई ठीक से जवाब नहीं दिया और उन्होंने बोला कि बंद लिफाफे में हमने सरकार को दे दिया और फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये मैटर खारिज कर दिया। लेकिन अभी जो नए मुद्दे आए हैं उसको लेते हुए नई जांच क्यों नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है। और हम जानते हैं कि जो चीफ जस्टिस थे गोगोई, वो रिटायरमेंट के बाद राज्यसभा के सदस्य बन गए, लेकिन अभी भी जो मीडिया पार्ट ने जो खुलासे किए हैं दलाली दिए जाने के, तो उसके अनुसार भी अभी ये मामले में जांच जरूर हो सकती है। तो आखिर ये सरकार जांच करने से क्यों घबराती है? ये विमान कितने के खरीदे गए इसका जवाब क्यों नहीं देती? और सरकार भ्रष्टाचार का सवाल उठाकर, कांग्रेस के भ्रष्टाचार का सवाल उठाकर, भ्रष्टाचार का आंदोलन में शामिल होकर, लोकपाल की बात करके ये सरकार सत्ता में आई थी, तो अभी कहाँ पर, कहाँ है लोकपाल, कहाँ है भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने की बात? इस मामले में फ्रांस की एंटी करप्शन एजेंसी, जो फ्रांस का भ्रष्टाचार का देखने की जो जांच एजेंसी है, उसने भी इस मामले में भ्रष्टाचार होने की बात कही है। तो भारत में आखिर इसकी जांच क्यों नहीं हो सकती? इसकी जांच न होने के क्या कारण हैं? अभी जो संदेह व्यक्त किया जा रहा है उसके अनुसार इस पूरे मामले में प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री कार्यालय सीधी तरह से जुड़ा हुआ था। इस पूरे मामले में रिलायंस अंबानी को पूरी तरह से फायदा पहुंचाया गया। इस पूरे मामले में इंडियन एरोनॉटिक्स, जो भारत की कंपनी थी, उस कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट हटा लिया गया और भारत के हितों का नुकसान किया गया। इस पूरे मामले में जो 126 विमान इंडियन एयरफोर्स को और भारत की वायु सेना को चाहिए थे, तो उसमें से सिर्फ 36 विमान लिए गए। क्या यह हमारे देश की रक्षा के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है? फिर इसमें यह भी सवाल उठता है कि अब जब भारत की इंडियन एरोनॉटिक कंपनी खुद ये विमान बना सकती थी, सिर्फ उसको टेक्नोलॉजी चाहिए थी, तो ये विमान बनाने का काम आखिर राफेल को क्यों दिया गया? इसमें यह भी सवाल उठता है, क्या राफेल ने ही सबसे कम दाम कोट किए थे? क्या इसके कॉन्ट्रैक्ट किस तरह से दिए गए और कैसे राफेल ही सबसे फिट था? उसके बाद ये भी सवाल उठता है कि सीएजी की रिपोर्ट में इसके प्राइस के बारे में क्यों नहीं लिखा गया? इसके बाद ये सवाल उठता है कि सुप्रीम कोर्ट में बंद लिफाफे में सारी रिपोर्ट क्यों दी गई और उसमें भी जो कमियां पाई गई
उसके बारे में चुप्पी क्यों साधी गई। फिर इस पूरे मामले में ये भी सवाल उठता है कि कहाँ है भारत में लोकपाल, कहाँ है एंटी करप्शन के लिए काम करना, और इसमें सरकार अगर भ्रष्टाचार है तो भ्रष्टाचार के खिलाफ जांच करने की बजाय इस भ्रष्टाचार को दबाने की कोशिश क्यों कर रही है। तो ये सारे सवालों का जवाब प्रधानमंत्री या फिर भारत सरकार से नहीं आ रहे। तो जब तक ये सवाल हैं तब तक इस पे आवाज़ उठाते रहना पड़ेगा। जो सरकार राष्ट्रभक्ति की, राष्ट्रवाद की बात करती है, वो अपने राष्ट्र के हितों से कैसे कॉम्प्रोमाइज़ कर रही है। हर एक व्यक्ति को सरकार के पक्ष में खड़े होना या प्रधानमंत्री के पक्ष में खड़े होना, प्रधानमंत्री के हर निर्णय पर विश्वास करना, वो उसका निजी मामला हो सकता है। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि जब भ्रष्टाचार का मामला आता है तो प्रधानमंत्री की खाक को बढ़ाने के लिए ये जरूरी है कि वो जो भी इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं वो सही इल्ज़ाम है या गलत है, उसकी जांच होनी चाहिए। और अगर किसी ने गलत इल्ज़ाम लगाए तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर यशवंत सिन्हा ने गलत इल्ज़ाम लगाए हैं, प्रशांत भूषण ने गलत इल्ज़ाम लगाए हैं, हिंदू पेपर ने और एन राम ने गलत इल्ज़ाम लगाए हैं, विपक्ष ने गलत इल्ज़ाम लगाए हैं, अगर मीडिया पार्ट, मीडिया पोर्टल फ्रांस का है, अगर इसने गलत आरोप लगाए हैं, फ्रांस की सरकार ने, फ्रांस के राष्ट्रपति ने गलत आरोप लगाए हैं, ये सारे आरोप अगर गलत हैं तो वो जांच करके जो गलत आरोप लगाकर सरकार को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जनता के बीच में ये साफ आना चाहिए। विपक्ष ने और राहुल गांधी ने नारा लगाया था इसी मुद्दे पर कि चौकीदार चोर है, तो अगर इतना बड़ा आरोप प्रधानमंत्री पर लगता है और उसके बाद ये रक्षा से जुड़ा हुआ मामला है, राष्ट्रभक्ति से जुड़ा हुआ मामला है, तो इसकी जांच जरूर होनी चाहिए। और इन सारे मुद्दों पर, सारे सवालों का जवाब सरकार को देना चाहिए। अगर सरकार के पास नहीं है तो सरकार को जांच बिठानी चाहिए और इन सारे सवालों का जवाब ढूंढना चाहिए और वो जनता के बीच में लाना चाहिए। देखते रहिए जनता का आईना। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोगों को भी मालूम पड़ सके, और जनता का आईना ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।